नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। नई तकनीक, नए वैज्ञानिक शोध और खेती किसानी के नए मंत्रों को लेकर हम आते हैं अपने इस कार्यक्रम में आपके लिए, वो भी अपने तीन सेगमेंट्स के जरिए, जो कि हैं विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। इन तीनों ही सेगमेंट्स में होती हैं कुछ ऐसी बेहद खास जानकारियाँ जो कि आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित हो सकती हैं। तो फिर आइए अपने आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सोयाबीन की फली पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ साथ प्रोटीन, तेल और स्वास्थ्य का एक प्रमुख स्रोत है, जो दुनिया भर में मानव पोषण और पशुधन आहार के लिए फाइटोकेमिकल्स को बढ़ावा देने में मदद करती है। सोया दूध मूलतः सोयाबीन का निचोड़ रस होता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल और मैसेस रॉयल प्लांट सर्विसेज दिल्ली ने 100 लीटर प्रति घंटे की क्षमता वाला 140 सोया मिल्क प्लांट विकसित किया है। इस संयंत्र में भरण और पिसाई इकाई, भंडारण स्टोरेज टैंक, बॉयलर यूनिट, कुकर, विभाजक, न्यूमेटिक टोफू प्रेस और कंट्रोल पैनल आदि शामिल हैं। ग्राइंडिंग सिस्टम में टॉप हॉपर, फीडर कंट्रोल प्लेट, बॉटम हॉपर और ग्राइंडर शामिल है। चक्की से आने वाली सोया घोल को स्टोरेज टैंक में इकट्ठा किया जाता है और स्क्रू पंप असेंबली द्वारा कुकर में पंप किया जाता है। 12 किलोवाट हीटर और कुकर के बॉयलर स्वचालित दबाव वाल्व द्वारा जुड़े होते हैं और वांछित दबाव और तापमान पर कुकर को आसानी से भाप जारी करते हैं। फीड दर को 20 किलोग्राम प्रति घंटा पर नियंत्रित किया जाता है। विभाजक वांछित सोया दूध और ओकारा को अलग कर देता है। विकसित स्वचालित सोया दूध संयंत्र बहुत अच्छी गुणवत्ता वाले दूध का उत्पादन करता है। मैसेज श्री श्यामा काली एंटरप्राइजेस कामरे रांची ने दूध और टोफू या सोया दूध के लिए सोयाबीन प्रसंस्करण स्वचालित सोया दूध संयंत्र स्थापित किया है। वो हर दूसरे दिन लगभग 70 लीटर सोया दूध और 10 किलोग्राम टोफू का उत्पादन करते हैं। सोया दूध और टोफू की बिक्री की लागत क्रमशः 40 रुपए प्रति लीटर और 150 से 200 रुपए प्रति किलो है। सोया दूध और टोफू के उत्पादन की लागत को क्रमशः 15 रुपए प्रति लीटर और 50 रुपए प्रति किलोग्राम मानते हुए सोया दूध और टोफू के उद्यमों से शुद्ध लाभ क्रमशः 3,18,500 रुपए और 2,73,000 रुपए प्रति वर्ष है। सोया दूध और टोफू दोनों उद्यमों के लिए इस संयंत्र से प्रति वर्ष कुल 5,91,500 रुपए का लाभ होता है। मैसर्स एग्रो सोया मिल्क ऑर्गेनिक प्लांट गंभावोल, जिला होशियारपुर पंजाब ने सोया दूध आधारित पेय पदार्थ और टोफू के प्रसंस्करण के लिए संयंत्र लगाया और हर दूसरे दिन लगभग 100 लीटर सोया दूध और 60 किलोग्राम टोफू का उत्पादन कर रहे हैं। सोया दूध और टोफू का बिक्री मूल्य क्रमशः 45 रुपए प्रति लीटर और 120 से 150 रुपए प्रति किलोग्राम है। सोया दूध और टोफू बेचकर उद्यमियों द्वारा अर्जित लाभ क्रमशः 5,46,000 रुपए और 7,64,400 रुपए है। सोया दूध और टोफू से उद्यमियों को प्राप्त कुल लाभ 13,10,400 रुपए प्रति वर्ष है। मैसर्स लवलॉय फूड प्रोडक्ट्स लिमिटेड बेंगलोर ने सोया दूध, टोफू और पाउडर के प्रसंस्करण के लिए स्वचालित सोया दूध संयंत्र स्थापित किया है। ये प्रतिवर्ष लगभग 20 टन सोया दूध पाउडर और 3 से 4 टन टोफू का उत्पादन कर रहे हैं और सफलतापूर्वक उद्यम चला रहे हैं। मैसर्स मंथन सोया प्रोडक्ट्स राजसमंद राजस्थान ने स्वचालित सोया दूध संयंत्र की स्थापना की है और हर दूसरे दिन लगभग 50 लीटर सोया दूध और 25 किलोग्राम टोफू का उत्पादन कर रहे हैं। उद्यमी को सोया दूध और टोफू बेचकर प्रतिवर्ष 4,95,000 रुपए का शुद्ध लाभ प्राप्त हो रहा है। अब आइए विज्ञान और किसान में बढ़ते हैं आगे। हमारे राजस्थान के एक किसान ने मूंगफली के संबंध में प्रश्न किया है और उनकी समस्या का समाधान किया है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के एग्रोनॉमी के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर शिवाधर मिश्रा जी ने। राजस्थान से शौकीन खान जी जानना चाह रहे हैं कि मूंगफली इनकी 90 दिन की हो गई, इसमें पानी लगाएं के ना लगाएं। इन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया है और चूँकि मूंगफली की बहुत सारी प्रजातियाँ होती हैं, इन्होंने अगर ये बताया होता कि कौन सी प्रजाति इन्होंने बोई है और ये भी बताया होता कि इन्होंने किस तरीके की इनकी यहाँ ज़मीन है, मूंगफली किस अवस्था में चल रही है,
वैसे मैं पूरी मूंगफली के बारे में बताना चाहूँगा कि मूंगफली की शुरू की अवस्था लगभग 1 से 30 दिन तक ऐसी होती है जिसमें वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, कभी कभी 40 दिन तक भी प्रजातियों के अनुसार 1 से 40 दिन तक सिर्फ उसके पेड़ की बड़बड़ होती है, फूल नहीं आते हैं, और 40 दिन के आसपास उसमें फूल आने की अवस्था शुरू हो जाती है। 40 से लेके और बाकी पूरा भाग इसमें जो मूंगफली के चक्र का है, जो लाइफ साइकिल है इसका, जो जीवन चक्र है, उसमें 40 से 50 दिन के बाद फूल आने से लेके पैग बनना, पैग कहते हैं जब फूल के आने के बाद जब वो फर्टिलाइज हो जाता है, उसके बाद उसमें एक खूंटी टाइप की निकलती है, एक छोटा सा, जो कि ज़मीन में अंदर घुस जाता है और ज़मीन में घुसकर फिर उसकी फली की बड़बड़ होती है। तो ये सारा का सारा 50 दिन बाद होता है और प्रजातियों के अनुसार इनकी आबादी थोड़ी कम ज़्यादा होती है। उसके बाद जब फली बनती है तब, और जब पैग बनता है, जब वो ज़मीन में घुसता है, पैग जब ज़मीन में घुसता है उस समय ज़मीन में नमी होना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लग रहा है ये जो पूछ रहे हैं 90 दिन की इनकी शायद फसल हो रही है, वो पैग बनने की अवस्था है या फली अंदर बन रही है, ये दो अवस्थाएं हो सकती हैं 90 दिन पे। तो पैग बनने की अवस्था पर पानी देना ज़रूरी है, क्योंकि अगर नमी उस समय नहीं है, ऊपर की परत अगर थोड़ी सी सख्त है तो वो पैग अंदर जाने में मुश्किल होती है और मूँगफली अच्छी नहीं बनती। इसी प्रकार जो पैग अंदर जा चुका है ज़मीन के अंदर, उसमें अगर अगर सही नमी नहीं है तो उसे जो इस समय कैल्शियम की भी ज़रूरत होती है फली का छिलका बनने में और फली बनने में, और भी सारे तत्वों की ज़रूरत होती है जिससे अच्छी बढ़वार हो सके, तो उनका सही निर्वात तरीके से उनका आवागमन जो पोषक तत्वों को वो नहीं हो पाता है, और जितना जड़ों को चाहिए होता है वो खुराक नहीं मिल पाती, खुराक न मिलने से उपज में कमी आती है। तो मेरा कहना यह है कि जब ये रिप्रोडक्टिव फेज है या जब ये फूल से फल बनने की अवस्था और फल के बढ़वार की अवस्था, ये ज़्यादा क्रिटिकल होती हैं, और ये सीजन के हिसाब से भी होता है कि बहुत सारे किसान भाई ये खरीफ सीजन में लगाते हैं इस फसल को, कुछ लोग समर में भी लगाते हैं, तो गर्मियों में ये पानी की ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि खेत सूखा ना रहने पाए, क्योंकि गर्मी होती है, लेकिन बरसात में हम वर्षा जब भी होती है उसके हिसाब से पानी का पानी फसल में जो देते हैं वो वर्षा के हिसाब से देते हैं, कभी कम या कभी ज़्यादा, लेकिन बहुत ज़्यादा नमी होने से भी कभी कभी नुकसान होने लगता है और पैकिंग अच्छी नहीं होती है। तो दोनों बातों का ध्यान रखें, अगर वर्षा हो गई है तो थोड़ा अंतराल के बाद सिंचाई करें, अगर वर्षा में ज़्यादा अंतराल हो रहा है तो सिंचाई अवश्य करें। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि फली बनने की अवस्था, फूल बनने की अवस्था और जो फली भरने की अवस्था, इसलिए मैं सुझाव दूंगा किसान भाइयों को कि 90 दिन के आसपास जो पूछ रहे हैं तो वो उस समय सिंचाई करें तो अच्छा होगा, अगर बरसात नहीं हो रही है। अदर और जो बाकी सिंचाइयाँ हैं वो मैंने बताया कि जितनी फूल आने से लेके फल बनने तक और फली के बड़ा होने तक, ज़मीन में जब फली की बड़बार होती है तब तक खेत में नमी रहना आवश्यक है। और अब आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और आपको जानकारी देते हैं सितंबर माह के कृषि कैलेंडर की। गाजर की देसी किस्मों के लिए सितंबर का सही माह माना जाता है। सितंबर माह में किसान भाई गाजर की बुआई कर सकते हैं। गाजर की जड़ों के अच्छे विकास के लिए गहरी, नरम और चिकनी मिट्टी की जरूरत होती है। फसल के अच्छे विकास के लिए बीज की गहराई 1.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बिजाई से पहले बीजों को 12 से 24 घंटे पानी में भिगो दें, इससे बीज के अंकुरण में वृद्धि होगी। इसी के साथ ही कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा, मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। आधार
चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। किसान भाइयों बहनों, हरियाणा के अटेरना गांव के किसान कवलजीत सिंह चौहान जी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। आइए आपको दिखाते हैं उनकी सफलता की ये कहानी। पता नहीं कब और कैसे ऐसा हुआ कि कमल सिंह चौहान के भीतर ये बात बैठ गई कि उन्हें कुछ ऐसा काम करना है जिससे देश उन्हें जानने लगे। कहते हैं कि बहादुरों का भाग्य भी उनका साथ देता है। कमल सिंह चौहान ने एक बेहद गरीब और किसान परिवार में जन्म लेने के बावजूद एक बड़ा सपना देखा था, कुछ ऐसा करने का सपना जो उन्हें देश में एक नाम और पहचान दिला सके। हर गरीब इंसान की तरह कमल सिंह चौहान की जिंदगी का सफर शुरू हुआ मजबूरियों और लाचारियों से। गांव के सबसे गरीब किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ। बड़ा कष्टदायक था, किताबों तक के लिए पैसे नहीं मिलते थे, फिर भी मैं पढ़ा। क्लास में सबसे होशियार होने के कारण भी मैं जो है किसी सर्विस में, मैंने चपरासी से लेकर HCS तक के इंटरव्यू दिए हैं, पर मैं किसी में भी सिलेक्ट नहीं हुआ। ये मेरी किस्मत रही है। 40 साल तक की उम्र तक मेरे पास कोई खास काम नहीं था और अब मेरे पास इतना काम है कि मेरे पास ही 200 के लगभग आदमी काम कर रहे हैं, जिसमें इंजीनियर भी है, अकाउंटेंट भी है, CA भी है, सब मेरे साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जिंदगी दो सड़कों के बीच गुजर रही थी। एक सड़क उन्हें सपनों की ओर ले जा रही थी, जबकि दूसरी सड़क पर खेती, किसानी, गरीबी और मुफलिसी लिखा था। गरीब इंसान के पास चुनाव करने के लिए ज्यादा विकल्प नहीं होते और इन विकल्पों को सीमित किया उनके जीवन में घटी एक घटना ने। कमल सिंह चौहान को कृषि के क्षेत्र में किए गए कार्यों के लिए अनेक पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का NG रंगा पुरस्कार, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कमल सिंह चौहान को अनेक प्रगतिशील किसान पुरस्कार मिल चुके हैं। कमल सिंह चौहान का मानना है कि खेती आज भी ऐसा व्यवसाय है जिसमें सबसे ज्यादा रोजगार पैदा किया जा सकता है। बस हमें खेती को फायदेमंद बनाना होगा और इसके लिए वो एक दिलचस्प सुझाव भी देते हैं। आज कमल सिंह चौहान अपने सपनों को सच कर पाए हैं तो महज इसलिए क्योंकि उनके पास उन्हें पूरा करने का जज्बा था। संसाधन न होते हुए भी उन्होंने अपनी हिम्मत और लगन से ये साबित किया कि कामयाबी पर किसी का एकाधिकार नहीं हो सकता। वो हर उस इंसान को मिलती है जो सपने देखता है और कभी भी हार नहीं मानता। और इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हुआ है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। और अब एक जरूरी सूचना। देश के कुछ राज्यों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर पराली जलाने से आसमान में धुंध छा गई है। लाखों लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हर साल हम अपने ही घर फूंकते हैं और तमाशा बनते हैं। ना, मैं ना मानता। ये काम तो बरसों से होता आ रहा है, अब ऐसा क्या नया आ गया? जे देख लो, हमारे रतन काका पिछले साल की पराली जलाने से जो इनकी खांसी उठी थी जे अब तक चल रही है। और तो और हमारे सोना उगलने वाली धरती भी बंजर पड़ रही है। बेटा, तुम्हारी बात मान भी ले, पर एक बात बताओ कि पराली को ठिकाने लगाने में भी तो लागत आती है और ये आग जलाने से ये काम आसानी से हो जाता है। काका जे बात ना रही,
हम कह रहे हैं, देखो मेरे पास कुछ मशीनों की तस्वीरें भी हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये देखो, ये है हैप्पी सीडर, ये है मल्चर, ये है जीरो टिल ड्रिल, ये है स्ट्रॉ चॉपर, ये है रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लॉ और ये है रोटावेटर। ये सारी मशीनें अब 50% अनुदान पे मिल रही है और तो और कस्टम हायरिंग केंद्र लगाने पर सरकार से 80% का अनुदान भी मिलेगा। और ये संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि अब पराली कोई ना जलाए और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर पराली खेत में मिलाए और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाए। खेती किसानी को और भी ज़्यादा टिकाऊ और फायदेमंद बनाने के लिए ज़रूरी है कि कृषि शिक्षा को सशक्त बनाया जाए और इसी के संदर्भ में नई शिक्षा नीतियां भी लाई जा रही हैं। आइए दिखाते हैं इसी पर आपको एक खास बातचीत। कोरोना महामारी के वजह से सारा क्षेत्र प्रभावित है और अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं तो यह क्षेत्र भी प्रभावित है। अब इसमें एक बदलाव की बात की जा रही है, खासतौर से अभी HRD मिनिस्ट्री, उसका नाम बदल करके एजुकेशन मंत्रालय कर दिया गया है, वहाँ पर भी बदलाव किया गया है पॉलिसी में। काफ़ी लंबे समय से जो बदलाव की मांग की जा रही थी, अभी बदलाव किया गया है। हम देखते हैं कि इसका जो खासतौर से एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में जो शिक्षा नीति है उसमें क्या कोई बदलाव किया जा सकता है या बदलाव की जो बात है वो कहाँ तक यहाँ पर चलाया जा रहा है, संभावना है कि इसको किस तरह से जो एग्रीकल्चर में स्टूडेंट्स एडमिशन ले रहे हैं उस पर किस तरह से प्रभाव पड़ेगा। इन तमाम बिंदु पर बात करने के लिए ICAR के DDG एजुकेशन हैं, RC अग्रवाल जी, इनसे बात करते हैं कि इसमें क्या क्या बदलाव किया जा रहा है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम लोगों ने पहले से ही बहुत सारे बदलाव किए हैं और अच्छी बात यह है कि जो नई शिक्षा नीति आई है उस मैं बहुत सारी चीज़ें हमारी इससे पहले से ट्यून्ड हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि उन्होंने कहा है कि 4 साल का डिग्री प्रोग्राम होना चाहिए, हम लोगों ने 2016 से ही 4 साल का डिग्री प्रोग्राम सभी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में पहले से ही कर रखा है। उसमें कहा गया है कि आपको कम्युनिटी एंगेजमेंट करना है। हमारे जो बच्चे हैं अंडर ग्रेजुएट लेवल के, उनमें हमने कंपलसरी किया हुआ है कि 1/4 साल में बच्चे एक जो हमारा स्टूडेंट रेडी प्रोग्राम होता है जिसमें रूरल एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस डेवलपमेंट योजना है, हम बच्चों को कई तरह के एंगेजमेंट्स करते हैं, उसमें रूरल एंगेजमेंट भी होता है, बच्चों का एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी करते हैं हम लोग जो हैं, उसमें इंडस्ट्री अटैचमेंट भी करते हैं। और ये नई शिक्षा नीति में भी ये बात की गई है, लेकिन अब हमें उसको और थोड़ा सा सुदृढ़ बनाने की ज़रूरत है और हमें अब ये भी सोचने की ज़रूरत है कि जिस तरह से मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट की बात की गई है नई शिक्षा नीति में, तो क्या हम जो हम अंतिम वर्ष में स्टूडेंट रेडी प्रोग्राम करते थे, क्या हमें उसको शिफ्ट करके प्रथम वर्ष में करना है या द्वितीय वर्ष में करना है या इस तरह से ऑप्शनल बनाना है बच्चों के लिए, क्योंकि मल्टीपल एंट्री और एग्जिट में बच्चा 1 साल भी पढ़ सकता है, उसको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, 2 साल पढ़ के उसको डिप्लोमा भी देना पड़ सकता है आपको, तो वो इस कम्युनिटी एंगेजमेंट से वंचित न रह जाए, तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें किया। दूसरा मैं ये बताना चाहूँगा, हमारे बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स चल रहे हैं जिसमें कि हमारा मेन फोकस बच्चों के लिए है कि एंटरप्रेन्योर्स कैसे बने, जॉब देने वाले बने। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी बार बार कहते हैं कि जॉब देने वाले बने बच्चे, न कि जॉब लेने वाले बने। तो इसकी बहुत सारी योजनाएँ हमारे यहाँ चल रही हैं जो कि नई शिक्षा नीति में भी बात की गई है और अब हम इसके लिए और एक रोड मैप तैयार कर रहे हैं, उसमें हम निश्चित करेंगे कि कितनी समय सीमा में जो इसमें कहा गया है कि टेक्नोलॉजी पार्क बनाने हैं आपको, तो टेक्नोलॉजी पार्क का मतलब है कि जो भी हमारे टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटीज़ ने बनाई हैं, वैराइटीज़ बनाई हैं, फार्म मैकेनाइजेशन के लिए जो भी टेक्निक्स बनाई हैं, तो उनको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए पहले से ही हमारे पास सुविधा है, लेकिन अभी और थोड़ा सा एक सिस्टमेटिक वे में हमें ये सुनिश्चित करना है कि किस तरह से हम उसको बनाएं, किस तरह से हर टेक्नोलॉजी पार्क में किसानों से संबंधित सारी समस्याएं हैं। तीसरा एक और बिंदु इसमें महत्वपूर्ण है कि जो बच्चे प्रोजेक्ट लें तो वो अब हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जो
हमारी किसानों की समस्याएं हैं, जो हमारी डिमांड ड्रिवन रिसर्च है उसकी तरफ बच्चों का ज़्यादा रुझान हो, तो उस तरह के ही रिसर्च टॉपिक्स लें। जैसे बड़ी अच्छी बात कही है शिक्षा नीति में कि 5 साल का अगर बच्चा इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करता है या 4 साल के बाद में 1 साल का अगर MSc प्रोग्राम करता है तो सीधा PhD में एडमिशन ले सकता है बच्चा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि 4th वर्ष में बच्चा रिसर्च में इन्वॉल्व हो। तो रिसर्च में इन्वॉल्व कराने के लिए बच्चे को अब हमें प्रोग्राम्स इस तरह से बनाने पड़ेंगे कि किस तरह से हम उसको ज़्यादा ज़्यादा रिसर्च ओरिएंटेड बनाएं। और एंटरप्रेन्योर्स का तो रहेगा ही रहेगा हमारा जोर, तो इन सब चीज़ों पर हम जोर दे रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जो अंडर ग्रेजुएट लेवल के प्रोग्राम्स हैं वो हमने 2016 से ही पहले से ही हमने इनको रीओरिएंट कर दिया है सभी को। पहले से ही हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स चेंज किए हैं और उन 2016 से जो हमने किए हैं उसमें जैसे हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया बच्चों के लिए जो नई शिक्षा नीति में बात की गई है। हमने जीनोमिक्स, हमने इसमें बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इसमें आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग, इस तरह के बहुत सारे जो सरकार की प्रायोरिटीज़ हैं वो सारे प्रोग्राम हमने पहले ही इंक्लूड किए हैं। और जो हमारा पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का प्रोग्राम है उसका हम पिछले 2 साल से प्रोग्राम रिवाइज कर रहे हैं, उसके सिलेबस को सभी वाइस चांसलर, सभी एक्सपर्ट्स के कंसल्टेशन के द्वारा। और लेकिन अभी नई शिक्षा नीति में जो हमें बिंदु दिए गए हैं उससे हम और उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे और देखेंगे किस तरह से ये और बेहतर हो, जिससे कि ये शिक्षा नीति के अनुरूप हो और जिससे कि ये हमारा देश की प्रगति में, हमारे जो प्रधानमंत्री जी का नारा है देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए, डबलिंग फार्मर्स इनकम के लिए हमारे बच्चे तैयार हों और आने वाली पीढ़ी में वो अपना पूरा पूरा सहयोग दे सकें। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कृषि, मत्स्य और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों के लिए आधारभूत ढांचा, लॉजिस्टिक बनाने जैसे कई उपायों की घोषणा की गई है। जैसे चावल हमारा अधिक उत्पादन होता है तो हम चावल को एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो आत्मनिर्भरता की जहाँ जरूरत पड़ती है तो खेती में बहुत सारे ऐसे विषय हैं जहाँ पर आत्मनिर्भरता की जरूरत है, जैसे कि तिलहनी फसलें। आप देखोगे कि हम खाद्य तेल जो है करीब करीब 70,000 करोड़ के खाद्य तेल जो है हम दूसरे देशों से मंगाना पड़ता है क्योंकि हमारे यहाँ कमी है। और जो खाद्य तेल है वो जो है इसका उत्पादन जो है आप देखेंगे कि वो कम है, तो उसका उत्पादन हमें कैसे बढ़ाना है जिससे कि हमारी जो पूर्ति है वो हो सके और हम अपना ही उत्पादन स्वयं करें। तो इसके लिए एक नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल शुरू किया है, नया मिशन जिसकी शुरुआत हो गई है। और इस मिशन के तहत जो है हम अपना उत्पादन बढ़ाएंगे, जैसे कि 25 मिलियन टन हमारे खाद्य तेलों की जरूरत पड़ती है, 14 मिलियन टन हम 14.5 के लगभग बाहर से मंगाते हैं, बाकी 10.5 के आसपास जो है उत्पादन हमारा खुद होता है। तो हम अपना उत्पादन ज़्यादा बढ़ाएं इसके लिए जितने भी हमारे प्राइमरी सोर्स हैं उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें आप देखेंगे कि जो मुख्य रूप से जो है 3 मुख्य फसलें, वैसे तो 7 फसलें हैं, 7 में से 3 मुख्य हैं जिनका जो है उत्पादन अधिक क्षेत्र में होता है, जैसे कि सरसों है, इसके बाद सोयाबीन है और मूंगफली है। ये 3 फसलों का जो क्षेत्र है अधिक है, बाकी फिर कुछ और भी फसलें हैं तिलहनी वाली जिनको भी बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें आप देखेंगे सनफ्लावर आता है, सैफ्लावर आता है, साथ साथ में जो नाइजर की खेती है और लिनसिड है, तो ये सब फसलें कुछ हैं जिनकी खेती जो की जाती है। तो हम आत्मनिर्भरता की तरफ कदम उठाने के लिए ये मिशन चलाया है। इसके अलावा कुछ ऐसे फल हैं जो दूसरे देशों से आते हैं, जैसे आप देखेंगे कि सेब का भी एग्जांपल है, करीब करीब हम 20 से 22 लाख टन जो है हम उत्पादन करते हैं, करीब करीब 2 लाख टन हमें दूसरे देशों से मंगाना पड़ता है, लेकिन वो इलिट क्लास वैरायटीज़ हैं उनको मंगा रहे हैं। तो उस वैरायटीज़ का जो है अब उत्पादन देश में शुरू हो गया है और इस पर जो है एक कार्यक्रम भी अब और भी चल रहा है कि इस तरह की बहुत सारी और भी इस प्रकार के फल हैं जिनकी मांग है, जैसे ड्रैगन फ्रूट है, इसके अलावा जैसे मोटा अंगूर है, और इसके अलावा जो कीवी का है, तो इस तरह के जो कुछ फल हैं उनको जो है हम अपना उत्पादन क्षमता जो है अपनी बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के तहत उसको बढ़ावा दिया जा रहा है।
और इन सभी किस्मों का जो प्लांटिंग मटेरियल है, जो पौध सामग्री है, वो भी जो है उपलब्ध कराई जा रही है। तो ये एक आत्मनिर्भरता की तरफ एक कदम है। और इसी तरह से जैसे कि हम पल्सिस की बात है, पहले एक टाइम था जब हम पल्सिस बाहर से मंगाना पड़ता था, अब हमारा उत्पादन बढ़ गया तो वो उत्पादन बढ़ा तो हमारे किसानों को योगदान जाता है, हमारे वैज्ञानिकों को योगदान जाता है, और हमारे मैं ये कहूँगा कि जितनी हमारी देश की स्कीम है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, उसको भी उसके तरफ से भी योगदान ये है कि उसका फ़ायदा राज्य सरकारों ने उठाया और उसके माध्यम से जो है उत्पादन बढ़ा और आज हम पल्सिस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हैं। तो अब जो है आत्मनिर्भरता की बात आती है तो हम उसको बहुत सारे ऐसे और भी हम देखेंगे कि कृषि से रिलेटेड उत्पाद है जिनको बना करके दूसरे देशों में बेचा जा सकता है। जैसे मिलेट्स है, मिलेट्स हमारे यहाँ की स्ट्रेंथ है, जो जिनको हम मुख्य रूप से कई बार मोटे अनाज भी बोल देते हैं, लेकिन मिलेट्स में आप देखेंगे ज्वार, बाजरा और रागी, ये इस तरह के तीन जो है मोटे अनाज हैं, इनका उत्पादन करके और उसके वैल्यू एडिशन करके जो है उनको हम लोग बाहर भेज सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे कि किसानों की आमदनी में भी इजाफा होगा। तो आत्मनिर्भरता की तरफ जो ये कदम है, इन सब चीज़ों पर जो है जोर दिया जा रहा है और भारत सरकार की बहुत सारी चलाई गई जितने भी कार्यक्रम है वो अपने आप में जो है लाभप्रद है और किसान उनका जो है प्रयोग कर रहे हैं और उनका पूरा फायदा उठा रहे हैं। तो हमारे आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। कार्यक्रम में अगर आपने अपने कोई सुझाव देने हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है nationalkrishidarshan@gmail.com। तो आज के लिए केवल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। नमस्कार।